आप देख सकते हैं रायपुर उरकुरा का शिवलिंग यही है और जड़ों के नीचे से कैसे श्रद्धालुगढ़ जल को लेके जा रहे हैं आप देख सकते हैं। अभी तो 2,000, 3,000, 4,000 ऐसे श्रद्धालु रोज आ रहे हैं जी। आप देख भी सकते हैं कितने सारे श्रद्धालु हैं यहाँ पे। ओ भाई बहुत भीड़ लगा हुआ है यार, कुछ मांग रहा है, पूर्ण भी हो रहा है, पूर्ण भी हो रहा है जी। ऐसा है कि यहाँ पे आके आप मनोकामना मांगेंगे वो मनोकामना भी पूरा होगा। और यहाँ का शिवलिंग को प्रकट हुए केवल एक हफ्ता हुआ है, तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आपको शिवलिंग को। तो बने रहिए वीडियो पे और वीडियो को बिना स्किप किए फुल वॉच करें, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। हमारे छत्तीसगढ़ में दिन ब दिन कुछ ना कुछ नया नया चमत्कार देखने को मिल रहा है, और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए दिखाते हैं आपको। तो गाइस हम लोग उरकुरा पहुंच चुके हैं और यह उरकुरा का रेलवे फाटक है और यहाँ पे साइन बोर्ड में लिखा भी है उरकुरा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग उरकुरा पहुंच चुके हैं और ये वो उरकुरा का गेट है, यही गेट है उरकुरा का और यहीं से हमें अंदर जाना है। आप देख सकते हैं हम लोग रेलवे फाटक के पास में हैं, ये रेलवे फाटक है और ये गेट है। तो चलिए चलते हैं। मुझे उरकुरा पहुंचने में काफ़ी लेट हो चुका है और अभी 4:30 बजे हुए हैं शाम के, फिर भी बहुत ही ख़ास माहौल बताया जा रहा है वहां का। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आपको वहां का माहौल। वैसे कल सोमवार को बहुत ही ज़्यादा माहौल था यहां, लेकिन कुछ कारणों की वजह से यहां नहीं आ पाए। तो वो जो दिखाई दे रहा है वहीं पे शिवलिंग प्रकट हुआ है और हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं उरकुरा में। और यहाँ पे ऑटो पिकअप बोलेरो पार्किंग में लगाया गया है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है आप देख सकते हैं, कार वगैरह भी आया हुआ है और यहाँ पे नारियल फल फूल बेच रहे हैं लोग। ठीक है ओके। देख सकते हो यहाँ का माहौल आप। वैसे यहाँ पे शंकर महाराज जी का जोरों से जयकारा लगाया जा रहा है। ऑरेंज वाला शायद आंटी ली है। हम लोग उरकुरा पहुँच चुके हैं और उरकुरा में जिस जगह पे शिवलिंग का प्रकट हुआ है वहाँ पे जो पहली बार दर्शन किया है उससे मुलाकात रहे हैं हम लोग, तो उसी के साथ हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए कुछ पूछताछ कर लेते हैं। भैया आपका नाम क्या है? पहले तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरा नाम राज वर्मा है जी। जी मेरा गांव फलारी कुशमी है जो पुराना गांव है, अभी वर्तमान में यहाँ मठपारा उरकुरा जी वार्ड क्रमांक 17 बिरगांव जी में ये उत्पन्न हुआ है, नंदी चौक के पास जी। तो पूजा पष्ट कर रहे हैं भैया जी। तो पहले बार कब इसको देखा आपने? 6 तारीख सुबह 8:30 बजे दर्शन दिए हैं जी। और दर्शन दिए हैं तो भैया लोग को फिर बुलाएं कि ऐसा क्या बात है, देखो ये भोलेनाथ स्वयं दर्शन दे दिया करके जी। तो फिर अब पूजा पष्ट चालू किए हैं। तो कितने दिन हुआ है इसको प्रकट हुए? ये अब 7 रोज हो गया। एक हफ्ता? हाँ एक हफ्ता हो गया जी। 8 रोज हो गए। हाँ 8 रोज है, आज 8वां है। हाँ 8वां रोज है जी। तो अभी तो 2,000, 3,000, 4,000 ऐसे श्रद्धालु रोज आ रहे हैं जी। आप देख भी सकते हैं कितने सारे श्रद्धालु हैं यहाँ पे, अपना दर्शन करके और मनोकामना वो करके जी जा रहे हैं प्रसाद लेके जी। और शिवलिंग के जस्ट नीचे में जल कुंड जलहरी बना हुआ है जड़ का जी, है ना जी। वो भी नेचुरल बना हुआ है पहले से ही, प्राकृतिक पहले वो जड़ से ही बना हुआ है जी। जी यही है जी।
और यहाँ आने के लिए बस सुविधा है जी, ट्रेन सुविधा है, उसके बारे में भी बता दीजिए। हाँ, ये ट्रेन सुविधा ये है, अपना जो उरकुरा स्टेशन है जी, वहाँ से आधा किलोमीटर नज़दीक में ही है जी। ये तो वैसे मेन रोड में ही लगा हुआ है, देख लीजिए आप, मेन रोड में ही लगा हुआ है। और ये जो बिलासपुर रोड से 1.5 किलोमीटर में लगा हुआ है जी, जैसे बस से आएंगे तो 1.5 किलोमीटर, हाँ, और ट्रेन से आएंगे आधा किलोमीटर, बस यही है जी। अपना दर्शन करके आराम से चले जा रहे हैं, हाँ, है ना, हाँ। और जल्दी जल्दी भाई बहन लोग अपना पूजा पाठ कर रहे हैं जी, अपने श्रद्धा से जो कुछ मांग रहा है पूर्ण भी हो रहा है, पूरा भी हो रहा है, हाँ। जी ऐसा है कि यहाँ पे आके आप मनोकामना मांगेंगे वो मनोकामना भी पूरा होगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो चलिए आपको शिवलिंग का दर्शन कराते हैं। आप बेल पत्ता चगे थे हावे का एक बेटा चगे वाला था दे मोहन सर बाबू इसने है टैक्सी वाला काट लेना था अगर मैं तुझे लाकर ओ दिल्ली देवाले की देखिए यही है वह शिवलिंग जो उरकुरा में बरगद वृक्ष के नीचे प्रकट हुआ है, और यहाँ पे छोटा सा जल कुंडी भी बना हुआ है जो कि प्राकृतिक बना हुआ है। देखिए बरगद के वृक्ष को, इसी के नीचे शिवलिंग प्रकट हुआ है। अच्छा चारू कहाँ है? जैसे ही यहाँ के लोगों को पता चला कि बरगद के वृक्ष के नीचे शिवलिंग का प्रकट हुआ है, तो सभी श्रद्धालु अपने काम धाम छोड़ के देखिए कैसे पूजा पष्ट करने के लिए आए हैं। और शिवलिंग के ठीक नीचे ही जल कुंडी बना हुआ है जिसमें के जल को श्रद्धालुगण अपने घर ले जा रहे हैं। और यहाँ के बहुत सारे लोगों को पूछने के बाद पता चला है कि 6 दिसंबर के पहले यहाँ पे कोई भी शिवलिंग नहीं था और 6 दिसंबर को शिवलिंग प्रकट हुआ है। अगर आप रायपुर उरकुरा आना चाहेंगे तो यहाँ का लोकेशन डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, अगर आप यहाँ आना चाहें तो आसानी से आ सकते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में, वैसे तो पूरा भारत में ही बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा है भगवानों का, तो आप देख सकते हैं कितने सारे श्रद्धालुगण आए हैं।
तो यहाँ का कैसा है सीन आप देख सकते हैं, और हमने आपको दिखाया शिवलिंग। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। आप देख ही सकते हैं कितना भीड़ लगा हुआ है, और भीड़ कंटिन्यू लगातार आ ही रहा है। जितने लोग जा रहे हैं उतने ही लोग आ रहे हैं वापस। और यही पास में तालाब है, आप देख सकते हैं तालाब को भी। देखिए दादी जी प्रसाद वितरण कर रहा है, तो चलिए हम भी प्रसाद ले लेते हैं, उसके बाद चलेंगे। अभी हाल ही में 1.5 महीने पहले किशनपुर में भी शिवलिंग प्रकट हुआ था, तो उसका भी वीडियो मैंने बनाया है, तो आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वीडियो देख सकते हो। और इधर साइड में अगरबत्ती जलाया जा रहा है, आप देख सकते हो। तो चलिए गाइज, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में।